आज हम मैथ्यू आर्नल्ड की एक पोएम का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है शेक्सपियर। ये जो पोएम है शेक्सपियर, ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस के साथ ओपन होती है, जिसमें जो है जो राइटर कहता है, मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि जो बाकी पोएट्स और राइटर्स हैं वो बहुत सारे, उनके बारे में हमें बहुत कुछ पता है, बट जो शेक्सपियर है वो इतने सिंपल कॉम्प्रिहेंशन उनका नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो मिस्ट्री में श्राउडेड है और उनके बारे में किसी को बहुत ज़्यादा नहीं पता है जैसे बाकी राइटर्स और पोएट्स के बारे में पता है। और इतने सारी क्वेरीज के बाद भी शेक्सपियर जो है एनिग्मेटिकली और कामली, बहुत ही ज़्यादा कामली काम वैसे हंसते रहते हैं, कोई उनको डिसर्न नहीं कर पाता है कि उनके जो फेस पे एक्सप्रेशन है वो किस चीज़ का है। शेक्सपियर एक लॉफ्टी हिल के साथ कंपेयर किया गया है, जो लॉफ्टी हिल है वो इतनी ज़्यादा उसकी हाइट है कि ओनली जो स्टार्स हैं उन्हीं को विजिबल है, और जो उसका फर्म बेस है वो भी इतना डीप है सी में कि कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको देख नहीं सकता। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ जो मिडिल पार्ट है वो ही देख सकता है। इस कहने का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट पार्ट है, जो इतना लोअर पार्ट जो इतना डीप में गया हुआ है, उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंशन समझ ही नहीं सकता कि वो है क्या। आर्नल्ड कहते हैं कि जो शेक्सपियर है उनकी जो विजन है, उनकी जो पोइट्री, उनके जो थाट्स हैं वो इतने ज़्यादा वो डीप है कि वो इतनी ज़्यादा गहरी मिस्ट्रीज को जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं। शेक्सपियर की कभी एजुकेशन नहीं हुई, फॉर्मल एजुकेशन, ऑफिशियल एजुकेशन नहीं हुई, वो सेल्फ टॉट हैं, और यही चीज़ है उनकी जो जिससे वो अपने वर्क को जो है खुद ही एसेस करते हैं। कोई और उनकी वर्क को इतने अच्छे से नहीं समझ पाता जितने अच्छे से वो खुद समझ पाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास वो डिसर्निंग एबिलिटी है जो उनको और बाकी लोगों को डिफ्रेंशिएट करती है। आर्नल्ड फिर कहते हैं कि ये जो बाकी पोएट्स और राइटर्स हैं उनके लिए तो लोग हैं जो उनकी बायोग्राफीज लिखते हैं, पर शेक्सपियर के लिए ऐसा कोई भी नहीं था। वो खुद में ही इतने ज़्यादा ग्रेट पर्सन है कि उनकी लाइफ को कोई अच्छे से समझ ही नहीं पाया है, वो इतने ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, एनिग्मेटिक हैं। और शेक्सपियर हम सब जानते हैं कि कितनी ज़्यादा ग्रेट वर्क्स के लिए जाने जाते हैं, तो उनकी ग्रेटनेस ही इस पोएम